अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इटाची के मॉडलों का सिंगुलर प्रॉब्लम कैसे हल होता है। ठीक है, आपके सामने ये देखिए, ये B100 का मॉडल है इटाची का। तकरीबन इटाची कालमी का सेम प्रोसेस इस तरह ही होता है। ठीक है, हम इसकी बैटरी निकालते हैं, इसके सिग्नल नहीं आ रहे आप लोग के सामने, आपको पता है, देख रहे हैं। तो उसके बाद हम इसको जल्दी से ज़रा थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं फ़ोन को, तो इसका स्टार्ट करते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने करना ये होता है कि इसकी जो सिग्नल वाली जगह होती है एंटीना RF, इसके पॉइंट जो चेक करने होते हैं, GSM का पॉइंट है, उसके बाद ये ग्राउंड का पॉइंट है, इसको आप लोगों ने तसल्ली से चेक करना होता है कि ये इसके रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो हमारे पास इसकी रीडिंग जो है ना वो आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों के सामने इसकी रीडिंग चेक कर ली। ठीक है, यहाँ पर आ रही है। उसके बाद हमने ना एक जंपर लगाना होता है, तो जंपर जो है ना वो मैं लगा के आप लोगों के सामने ना इसको जल्दी से पहले इसका ये टीन ओपन कर लेते हैं, जो IC कवर होता है इसको अपने सेफ्टी से ओपन कर लेना। ठीक है, ताकि नीचे से कोई IC वगैरह डैमेज ना हो। ठीक है, उसके बाद इसकी रीडिंग अंदर तक, ये देखिए आपके सामने इसकी रीडिंग आ रही है फुल कैपेसिटर तक। ठीक है, जो इसका आउट पॉइंट होता है सिग्नल का, फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने एक जंपर लगाना, ये देखिए मैंने आपको ना पिक लगा दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जंपर किस तरह कहाँ लगाना है। जंपर लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे क्या ये अभी तक इसके सिग्नल आए हैं या नहीं आए। फोन ऑन हो रहा है, ये देखिए इसके सिग्नल अभी तक नहीं आ रहे। ठीक है, सेम कंडीशन वही है। ठीक है, अब हम इसका IC चेंज करना पड़ेगा, आपको पता है कि अभी तक, ये देखिए मैं माइक्रोस्कोप पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो हम इसका जो PA IC है वो हम चेंज करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या आगे क्या होता है। तो ये देखिए IC हमने उतार लिया जो ओल्ड था, अब न्यू हम इंस्टॉल करेंगे इसमें। तो सेम बोर्ड में मैंने उतार के लगाया, वैसे इसका न्यू मिल जाता है आफ्टर मार्केट से। ठीक है, तो इसका नंबर है HS8232। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इंस्टॉल कर लिया अच्छी तरह से, ज़रा कूल होने देते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे क्या अभी सिग्नल आते या नहीं आते। ठीक है, और हमने अभी बैटरी लगाई, ऑन किया, यहाँ पे अभी थोड़ा वेट करते हैं, फ्लाइट मोड ऑफ। ये देखिए जैज के सिग्नल आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों सिमें जैज की हैं, दोनों सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इस पर कोई और सिम भी डालेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि मसला ओके बिल्कुल हो चुका है। हम इसमें अब इसमें हम टेलनोर की सिम भी डालेंगे साथ, पहले जैज की थी दोनों, तो डालने के बाद हम इसको ऑन करेंगे तो अभी पता चल जाता है कि टेलनोर के सिग्नल, क्योंकि यहाँ पर थोड़े ना टेलनोर के सिग्नल वीक आते हैं, तो वो भी पता चल जाएगा अगर उसको भी कम हो तो फिर कुछ इशू है इसमें। तो अभी तक ऑन हो रहा है, सेट देख लेते हैं अभी। मोबलिंग के आ चुके हैं, ये देखिए टेलनोर के सिग्नल भी आ चुके हैं और बिल्कुल फुल। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सिग्नल का मसला जो हल करने का तरीका। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।